तो गाइज क्या बताऊं यार, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। अब समझ में नहीं आ रहा तो वो हमारी समस्या है, हम देख लेंगे। अब मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से लैंडिंग कर ली, उतरते ही हमको मिल गई लुल्ली गन। और बढ़िया लैंडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि सीधा गन पे उतरो। और उतरने से पहले ये मैटर नहीं करता कि बंदे पहले उतर रहे या फिर हम, मैटर ये करता है पेटी किसकी पहले बनती है। वैसे तो सबसे पहले लैंडिंग मैं करता हूँ, तो पेटी भी सबसे पहले हमारी बनती है। और मैं आपको बता दूं, मैं और हमारे टीममेट के अलावा यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वाड आई है। अब ये बंदे हमसे पहले आए या फिर बाद में ये मैं नहीं बता सकता। अबे ये बंदा तो कैंपिंग कर रहा था, ले किधर से मार रहा है। कोई बात नहीं, चल तेरे को देखता हूँ। ओ भाई, अरे इधर, अबे इधर तो चारों तरफ मच्छर की तरह फैले पड़े यार। ये लोग तो कैंपिंग कर करके हमारी धुलाई कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम तुमको दिखाते हैं कैंपिंग कैसे करते हैं। सामने से एक चचा आ रहे हिलते हुए, आ जाओ भाई आ जाओ, आपका इंतजार था। ये लो बेटा सरप्राइज, इनको तो बढ़िया वाला सरप्राइज दे दिया। अब बारी है इनके टीममेट की, तो अपने टीममेट को बुलाओ यार। अब ये रहते बहुत ही चालाक आदमी, तो अपने टीममेट को पहले ही बोल देते हैं इधर मत आना, यहाँ प्रो प्लेयर बैठ के कैंपिंग कर रहा है। तो हम इनके टीममेट के आने का वेट करते हैं, लेकिन इनके टीममेट आते ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम निकल लो, लॉबी निकल लो, अपने टीममेट को उंगली करो जाके। अब हम उसकी पेटी लूटने के बाद ऊपर आके देखते तो एक आदमी लेट के आराम से मस्त कैंपिंग कर रहे है। साले कैंपरो, तुम लोग कैंपिंग कर रहे हो तो करो कैंपिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंपिंग करना गलत बात होती है, कैंपिंग करना अच्छी बात नहीं बहुत अच्छी बात होती है। अगर तुमको कैंपिंग ही करना है तो हमारी तरह करो, या तो तुम बंदे की धुलाई करोगे या बंदा तुम्हारी धुलाई कर देगा। अगर तुमने बंदे की धुलाई कर दी तो भाई मजे ही मजे, अगर बंदे ने तुम्हारी धुलाई कर दी तो भाई साहब दबा के इमोट दिखाएगा और तुमको देखना भी पड़ेगा मेरी जान। और कैंपिंग करने में वित्त जोखिम की संभावना शामिल है, इसमें आपकी धुलाई भी हो सकती है, तो कृपया अपनी रिस्क और अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। और हमारे तीनों टीममेट्स को देखो, हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहे क्या ही मस्त तरीके से, लेकिन एक नंबर के कंजूस आदमी है, नूबड़ों ने एक भी लाइक नहीं किया यार। माना ये कंजूस आदमी है, लेकिन हम भी इनसे बड़े मक्खी चूस आदमी है, जब तक ये लाइक नहीं करेंगे अपन रिवाइव नहीं करेगा साला। बड़े हरामी हो बेटा। ए चचा लिमिट में रह के बात करो यार, आई एम संस्कारी बॉय, आई एम नॉट हरामी बॉय। अबे भाई तू कहाँ जा यार। ओहो देखा गाइस क्या ही मारा यार, साले की टांगे तोड़ दी। अब इनकी टांगे तोड़ने के बाद हम नीचे जा रहे थे तो देख रहे भाई गुलाबी आंखों वाला भाग गया बे। अब भाग रहा है तो भागने दो, इसको भी टाइम देख के मारेंगे। अगर साला यहीं खड़ा है, मेरे को लगा भाग गया होगा नूबड़ा की का, फिलहाल अभी तो मेरे को भागना पड़ेगा। और ये चक्कर काट गया आज भाई, दिमाग लगाएगा मेरे सामने। साला ये तो बहुत खतरनाक मार रहा है यार, HP देखो खा गया मेरी। तो यार बात कुछ ऐसी है, यहाँ से भागने में फायदा है। अब हम भाग बिना किसी से पंगे लिए चुपचाप निकल आते हैं। बस हवा निकल गई है। ए हवा शवा नहीं निकली है, तुमने ये बात बोल के हमारा ईगो हर्ट कर दिया। अब देख अपन यू टर्न मार के उधर ही जाएगा। नहीं मेरे पास चाबी है, पहले दुकान लूटेंगे उसके बाद जाएगा, कहीं चले मत जाना। वापस जाके सबसे पहले उन बंदों की पुंगी बजाएंगे। लगता ही है पागल हो गया। अपन सबसे पहले इधर लूट रहा है क्योंकि अपने पास माल वाल है नहीं, तो बिना माल के तो अपनी पुंगी बच जाएगी यार। मैंने यहाँ से एक एक रुपया एक एक ग्लूबल उठा लिया और यहाँ से निकलता है। सामने लौंडा है, घूमते रहो भाई, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जाओ। और स्पीड में जाने के लिए तो अपना गाना लगा दे यार वही वाला। अबे बस कर, बंद कर दे भाई, पहुंच गए। अरे भाई थोड़ी देर के लिए हम घूमने के आ गए, यहाँ तो हमारा खौफ ही खत्म हो गया। बताओ बिना किसी डर के आराम से बैठ के मशीन में घुस के रिवाइव कर रहा था। अब अपने सारे टीममेट को रिवाइव करने के बाद हमको भी पता चलता है साला हमको भी कोई छुप छुप कर देख रहा है। कौन है भाई? और यहाँ पे जो मैंने फ्री फंड में फायर किया था, ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा प्रोपंती है, तो कैसे चल गई थी यार। बे साले अब नीचे मेरे को कौन मार रहा था साला, एक बार दिख जाए बन टैप वाली गन है, ऐसा कटोरा शॉट मारेंगे सीधा लॉबी। और सामने देखो एक लौंडा खड़े होकर पीछे से मार रहा था, बच गया वो तो, बन टैप नहीं लगा तो अभी तो मेरा फट स्वाहा हो जाता। और ये देखो सीधे घुसे चले यार, मेरे को क्या लगता है ना, जब मैं मशीन में घुस के अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था तो यही लौंडा पीछे से हरकत कर रहा था। साले हमसे उदम करेगा, अगर हमसे उदम करोगे तो ऐसे ही पे ले जाओगे। लो भाई इतने बढ़िया टीममेट मिले हमको, अभी रिवाइव किया फिर से मार खा के आ गए, क्या करूं मैं इनका। ज्यादा कुछ नहीं बस रिवाइव कर दे। अबे हम गेम खेलने आए हैं, लोगों की नौकरी करने नहीं आए जो बार बार रिवाइव करें। लो तीन नंबर भी लुढ़क गए, किसी को रिवाइव नहीं करेंगे, जब देखो तब रिवाइव रिवाइव, दिमाग खराब करके रखा है। मरने के बाद भी चुपचाप नहीं खेलेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे। अरे उधर चौखंड पड़े, उधर से बंदा आ रहा, अरे मार 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 जल्दी मार, खुद फ्री बैठ के चुपचाप देखा भी नहीं जाता। ज्ञान तो ऐसे देंगे जैसे बहुत बड़े प्रो प्लेयर हैं। और अभी अभी एक को बॉडी शॉट एक को तुक्का शॉट मार के यार लड़का दिया, लेकिन मजा नहीं आया यार। मजा नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा तो फिर ये किसने बोला था मजा ना आए तो पैसा वापस? अब जिसने भी बोला उससे पूछ जाके, हमसे क्या मतलब। और ये देखो ये लौंडा हमारे सामने रिवाइव कर रहा है, बाहर निकल। अरे वैसे समझदार तो है यार, मेरे कहने पर तुरंत बाहर आ गया। अबे डूबड़े उसने रिवाइव कर दिया, लेक्चर मत मार बंदे को मार। अरे यार दो फुट के लेक्चर मार देता हूँ, ये तो बंदा है आराम से मार दूंगा।
और कर ले लड़ाई के बीच में ऐड। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई के अंदर ऐड और लात घुसे चलते रहते हैं। तो हम फिर से मुंह उठा के चले आते हैं इस जगह पे, और इस बार हम खेल रहे थे अपने टीममेट के साथ, मतलब पड़ोसियों के साथ। अब हमको रिवाइव होने का टेंशन तो है नहीं, जैसे ही मरेंगे तुरंत रिवाइव मिलेगा भाई। अगर नहीं करेगा तो भाई पड़ोसी देश के हैं, डंडा लेके जाएंगे, पहले कहें रिवाइव कर दो ना फोर फायर के अलग कर देंगे तुमको। अब यार पड़ोसी होने का फायदा है तो इसमें नुकसान भी बहुत होता है। अगर एक भी किल चोरी कर लिया तो डंडा लेके आ जाएगा, किल क्यों चुराया मैंने। अगर दो किल चुरा लिए तो दो बार आएगा, चार चुरा लिए तो चार बार आएगा, बस किल चुराते रहो तो बार बार आएगा। जब भी पड़ोसियों के साथ खेलें कृपया साथ रहें और किल चुराते रहें, और किल चुराना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके और पड़ोसी के बीच की दूरियां कम होंगी। अबे साले जिम। और वैसे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, अगर कोई टेंशन की बात हो तो कमेंट में लिख देना, हम भी तो देखें तुमको किस बात की टेंशन है। और ये कोई ना लिख देना हमारी सेटिंग नहीं हो रही तो हमको इस बात की टेंशन है। ये टेंशन नहीं, ये तो एक कॉमन टेंशन है। अगर किसी को ये टेंशन है और किसी ने लिखा तो मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी तो नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी और जरूर मानी जाएगी, भले इसके लिए वीडियो लाइक करना पड़े। अच्छा हाँ, वीडियो लाइक कर देना, मान लेंगे। अब तुम लोग मानो या ना मानो मैं लिख के नहीं दूंगा। किसे कह रहा? अरे दादी तुमसे नहीं कह रहा, यू आर वेरी खतरनाक। अपन तुमसे पंगा बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बंदे मारने, क्योंकि सामने दिल से दिल जोड़ने वाले दिल पर रिवाइव हो रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है किसी से पंगे ले सकूं, पता चले मैं पंगे लेने लग जाऊं उधर दिल से रिवाइव हो जाए, और हमारे आंखों के सामने बंदे अपने टीममेट को दिल से रिवाइव करें, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये ताना लॉन्चर और ये लगाया निशाना, और लिस्को दो दो बंदे रिवाइव करने में लगा पड़े। अरे भाई तू कहाँ से आया बे? क्या भाई ये शुगर वाली एंट्री मारना जरूरी था क्या? आराम से नहीं आ सकते थे? देखो भाई साहब इन लोगों ने जंजाल बिछा रखा है पूरा, कहीं भी भाई गोली ना लग जाए, फिर भी कटोरा छोड़ बैठ गया। तो पता नहीं है तुम्हारे भाई के तुक्के भी तुक्के से लगते हैं यार, ये लोग जानते नहीं अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ द मी, बोले तो कुछ नहीं। अब इनका एक बंदा तो आराम से मस्त गोल गोल घूम रहा था, और एक बंदा ये ग्लूबल लगा के आराम से छुपा बैठा है। क्या बात है भाई, आराम से जाओ यार। अरे यार आराम से जाओ, दूसरा मैच लगाओ, हमको भी लूट बूट करने दो, रिवाइव की टेंशन मत लो, वो हम कर देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए लूट। तो ज्यादा कुछ नहीं अपन सोच रहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है ऑब्जर्वेटरी, तो लॉन्चर लगा के चलते हैं। सुई भाई ये किसने लॉन्चर लगाया यार, आधी एचपी खराब करवा दी मारी। तो हम तो इधर आके ढूंढने लग जाते हैं भाई किधर मिलेगा ग्लूबल, किधर मिलेगा माल। तब तक एक बंदा दिखाई पड़ता है मेरे को, और ये कोई बंदा नहीं है, ये है पीरो प्लेयर। क्या भाई तुम भी लॉन्चर लगा के हमारी दुलाई करने आए थे? क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब इनकी दुलाई करने के बाद हम यहाँ पर भी भर भर के लूट करते हैं यार, लेकिन चुपचाप निकल लेते हैं, क्या पता इसके बंदे आ जाए मैं अकेला बचाऊँ। पटके चार हो रही है तो भागने में फायदा है। और इस खंबे में आके सर टकराता बच गया भाई, ना खोपड़ी ओपड़ी फट जाती तो लूट वूट तो सब धरी की धरी रह जाती। और देखो अभी अभी यहाँ से गए थे, दोबारा आके देखते हैं तो फिर से यहाँ पे बंदे अवेलेबल है। क्या भाई तुम लोगों से कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करी जाती क्या? एक कोने में दबके बैठे रहो, पूरे मैच में नाचते रहते हो इधर उधर। अबे यार ये लोग बड़े ढीठ आदमी है, तुरंत ग्लूबल लगा लेते हैं। अरे हमको देखो हमारी तरह गिला करो, क्या जरूरत है ग्लू बिलू डालने की। अबे भाई अबे ये बहुत भाई याद आदमी। तो गाइज पीछे से मार दिया यार। इंडिया है चलते।